तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे डोमिनोज स्टाइल बर्गर पिज्जा प्रीमियम वेज। ये बर्गर खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसका टेस्ट है ना बिल्कुल डोमिनोज में मिलता है ना बर्गर पिज्जा प्रीमियम वेज वैसा होने वाला है, और इसे बच्चे तो खूब पसंद करके खाने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वेलकम टू पुष्पाज किचन। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 150 ग्राम पनीर लेंगे, उसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डालेंगे। ये दोनों आधा आधा चम्मच लिए हमने। अब 1/4 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 चम्मच तेल लिया है रिफाइंड ऑयल। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे पनीर के अंदर। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करके इसको 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रख देंगे एक तरफ। अब हम पिज्जा सॉस बनाएंगे घर पे। पिज्जा सॉस बनाने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप लिया है और उसके अंदर चिली फ्लेक्स और हमने पिज्जा सीजनिंग डाली है। पिज्जा सीजनिंग नहीं है तो ओरिगेनो डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। ये दोनों चीजें हमने फिलिंग के लिए तैयार करके रख दी है। अब हम वेज पिज्जा प्रीमियम बर्गर के लिए हम फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ाई है गैस पे मीडियम फ्लेम पे। 2 चम्मच तेल लेके और हमने इसके अंदर अदरक लहसुन और मिर्ची इन तीनों को रोस्ट किया है। इन तीनों को अच्छे से रोस्ट करने के बाद में 2 बारीक कटे हुए प्याज लिए, इनको भी रोस्ट कर लेंगे। हमें इनको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। अब छोटी सी गाजर ली थी, इसको हमने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। अब इनको भी रोस्ट करेंगे। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इन सब्जियों के साथ आप और भी कोई भी सब्जी लेना चाहते हैं तो घर में पड़ी हुई सब्जियां और भी ले सकते हैं। बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है हमने। ये स्वीट कॉर्न लिए हैं थोड़े से, ये हमारे पास थे तब हमने ले लिए हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये क्लासिक वेज पिज्जा बर्गर है ना, इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं हम। अब इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया और 2 चम्मच भर के हमने जो पिज्जा सॉस तैयार किया था वो डाल लेंगे। अगर आपके पास रेडीमेड पिज्जा सॉस है तो आप वो ले सकते हैं। 1/4 चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर डाला है इसके अंदर और 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच ओरिगेनो। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी मैरिनेट किए हुए वो पनीर क्यूब्स है ना, वो भी मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। इनको 10 मिनट पहले हमने इसलिए ही सारा मसाला लगा के इसलिए रख दिए थे ताकि ये अच्छे से रोस्टेड से और अच्छे से जूसी और टेस्टी हो जाए। अब इसके अंदर इन पनीर के टुकड़ों का अच्छा सा टेस्ट आएगा। सारी फिलिंग तैयार हो गई है। ये बर्गर लिए हैं हमने जो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, हमने आटा बर्गर लिए हैं। आप अगर चाहे तो ये मैदे के मिलते हैं वो भी ले सकते हैं। हमने जब सारी सब्जियां इतनी हेल्दी बनाई है तो क्यों ना बर्गर भी हम आटा बर्गर वाले ले लेते हैं। इन बंस को इस तरीके से हमने काट लिया और इनके ऊपर मियोनीज लगा देंगे। ये मियोनीज हमारी बर्गर मियोनीज मिलती है मार्केट में, वो ली है। आपके पास अगर कोई और भी मियोनीज है आप कोई सी भी लगा सकते हैं, टेस्ट बिल्कुल अच्छा आएगा। इस तरीके से चारों बन के टुकड़ों को हमने
मेयोनीज लगा के रख दिया है। अब इनकी फिलिंग करेंगे। ये देखिए ये सारी सब्जियां हैं जो हमने तैयार करी थी। इस तरीके से पूरी भर भर के चम्मच, दो चम्मच से हम इनके अंदर फिलिंग तैयार करेंगे। ये देखिए ये क्लासिक वेज पिज्जा बर्गर है। इसके अंदर खूब सारी सब्जियां होती है, जूसी टेस्ट आता है इसका। ये सब्जियां सारी सूखी सूखी नहीं होती है, इतना जूसी जूसी टेस्ट आना चाहिए। अब इसके ऊपर हम मोजरेला चीज डालेंगे खूब सारी। बच्चों को चीज खूब पसंद है। अगर आपके पास मोजरेला चीज है तो आप मोजरेला चीज ले लीजिए, अदरवाइज आप क्यूब्स वाली या आपके पास स्लाइस वाली चीज है तो वो भी ले सकते हैं। अब दूसरे बन का टुकड़ा जो कि इस तरीके से गोल होता है वो ऊपर रख के हल्के से हाथ से दबा देंगे। ये देखिए, ये देखिए। अब इनको हम थोड़ा सा दिखने में और भी टेस्टी और क्लासिक बनाएंगे। इसके लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इस तरीके से फैला के अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा तीखा तीखा टेस्ट आएगा और थोड़ा थोड़ा जूसी टेस्ट आएगा इससे। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरा पिज़्ज़ा सॉस ऊपर ऊपर लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ रखेंगे जिससे कि ये देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ये देखिए थोड़ी थोड़ी चीज रख देंगे। अगर आपके पास स्लाइस वाली चीज है ना तो वो भी रख सकते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरिगेनो। इसको देखने में हम क्लासिक बना रहे हैं, एकदम क्लासिक वेज पिज्जा बर्गर। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा ये। अब इनको हम हल्का सा कढ़ाई के अंदर रोस्ट करेंगे ताकि हमारी चीज मेल्ट हो जाए अच्छे से। कढ़ाई में हमने दो चार बूंद तेल लिया है और कढ़ाई को इस तरीके से ग्रीस कर लिया है और एकदम सिम आंच पे इन दोनों बर्गर को कढ़ाई के अंदर रख देंगे। ये देखिए आराम से इनको इस तरीके से रख देंगे और कढ़ाई को हीट होने देंगे। इस तरीके से ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट के बाद देखेंगे ये कढ़ाई गर्म हो गई है तो इसके अंदर हम साइड में जो जगह बची हुई है ना इस जगह पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। ये पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी जो चीज़ है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। कोई जरूरी नहीं था पानी डालना लेकिन चीज को जल्दी से मेल्ट करने के लिए। ये देखिए 5 मिनट के अंदर हमारी चीज मेल्ट हो गई है और पूरा बर्गर तैयार हो गया है। अंदर वाली और ऊपर वाली दोनों चीज मेल्ट हो गई है। ये देखिए क्लासिक वेज पिज्जा बर्गर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए और बच्चों को तो ये खूब पसंद आने वाला है। डोमिनोज में जाके और हम इतना महंगा पिज्जा बर्गर क्यों खाएं जब हमें घर पे इतना आसानी से 15 से 20 रुपए में बर्गर तैयार हो जाता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरे बर्गर बनाने की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे भी मैं ऐसे अच्छे वीडियो आपके पास लाऊंगी। थैंक यू।